सो किड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सो किड्स, आज बहुत ही खूबसूरत सी हमारी बुक फिसेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वोकैबुलरी प्रीमियर, ये क्लास प्रीमियर एडसमेंट, ये प्ले क्लास की बुक है। सो किड्स, आज हम इस बुक में से बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ों को खोलेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन खोलने और पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें देखना बहुत ही ज़रूरी है। चले तो हम एक्टिविटी नंबर में कुछ चीज़ों को देखेंगे, यानी एक्टिविटी नंबर 1 में, और एक्टिविटी नंबर 2 में हम फ्लैश कार्ड को देखेंगे। नेक्स्ट हम अपनी बुक की जानिब चलेंगे और बुक में बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ जिनमें कलर्स हैं, मैचिंग है, ट्रेसिंग है, बहुत कुछ है। चले तो हम अपने काम की तरफ चलते हैं। सो किड्स, इन फर्स्ट अ वेरी ब्यूटीफुल वर्क एंड द वर्क इज़ एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अपने काम को स्टार्ट करने से पहले हम स्पेशली फोकस करेंगे अपनी पेंसिल ग्रिप पर, नेक्स्ट रीडिंग पर, और हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्हें पढ़ेंगे। सो इन एक्टिविटी नंबर 1, लुक, दिस इज़ नेल, दिस इज़ नेल। नेल को कील कहते हैं, नेल को कील कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा नेल है, इसे हम हैमर के ज़रिए से दीवार के अंदर सुराख में ठोकते हुए इस पर तस्वीरें वगैरह लगाते हैं। सो दिस इज़ नेल, ये नेल है, ये नेल है। नाउ नेक्स्ट लुक, दिस इज़ पेन, दिस इज़ पेन, ये पेन है। और क्या आपको पेन के आगे वाली निब नज़र आई? दिस इज़ निब, जिससे हम लिखते हैं, दिस इज़ निब, निब, निब से हम लिखते हैं। सो किड्स, द निब एंड नेल हैज़ पिकिंग साउंड एंड द पिकिंग साउंड इज़ लेटर एन साउंड न, लेटर एन साउंड न। सो किड्स, हम चलते हैं अपने फ्लैश कार्ड की जानिब और देखते हैं कि फ्लैश कार्ड पर हमारे लिए मज़ीद क्या चीज़ बनी है। चले तो फ्लैश कार्ड की जानिब। सो किड्स, लुक इन फर्स्ट फ्लैश कार्ड, दिस इज़ नेट, ये नेट है। नेट, नेट को उर्दू में जाली कहते हैं, नेट को उर्दू में जाली कहते हैं। सो नेक्स्ट, इन नेक्स्ट फ्लैश कार्ड, लुक, दिस इज़ नेस्ट, नेस्ट को घोंसला कहते हैं, नेस्ट को घोंसला कहते हैं। घोंसले में चिड़िया अंडे देती हैं और रहती भी हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा घोंसला होता है। और नीचे अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास चीज़ बनी हुई है, और ये है नट्स। नट्स सूखे मेवा जात को कहते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, इन सब सूखी हुई चीज़ों को नट्स कहते हैं, क्योंकि इनसे हम नट हासिल करते हैं। सो दीज आर नट्स, ये नट्स हैं। सो किड्स, आज हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से नेस्ट को और नट्स को देखा, और हमने नेट को भी देखा। तो क्या आप जानते हैं कि इनकी बिगनिंग साउंड क्या है? इनकी बिगनिंग साउंड लेटर एन साउंड न है, लेटर एन साउंड न है। इनकी बहुत ही खूबसूरत सी साउंड है, और वो लेटर एन की न है। लेटर एन की साउंड क्या है? न। चले तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी किताब की जानिब चलते हैं और मज़ीद अपनी किताब से बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ते हैं। सो किड्स, ऑन पेज नंबर 36, आज हम पेज नंबर 36 पर, ऑल्सो टॉपिक इज़ लेटर एन साउंड न, लेटर एन साउंड न, एंड ऑल्सो वर्क इज़, आज जो हमारा काम है वो क्या है? रीड, पढ़ाई, यानी आज हमने पढ़ना है। ट्रेस, हमने ट्रेसिंग करनी है। कलर, हमने कलर करने हैं। नेक्स्ट सर्कल, हमने सर्कल करना है। सो किड्स, लुकिंग डाउन, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर इज नेस्ट, 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 एंड नेट स्पीकिंग साउंड इज न, 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 एंड नेक्स्ट इज नोज, 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 एंड नोज स्पीकिंग साउंड इज न, 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 एंड नेक्स्ट इज नैपकिन, 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 एंड नैपकिन स्पीकिंग साउंड इज न, न, न। किड्स लुक, दिस इज लेटर एन साउंड न, लेटर एन साउंड न, दिस इज लेटर एन साउंड न। न फॉर नेस्ट, न फॉर नोज, न फॉर नैपकिन। सो द नेक्स्ट वर्क इज ट्रेसिंग, सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग। लेटर एन साउंड न, लेटर एन साउंड न, नेक्स्ट लेटर एन साउंड न, लेटर एन
साउंड न। सो किड्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने ट्रेसिंग किया। सो नेक्स्ट वर्क इज कलरिंग, सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। सो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलर्स करेंगे। सो हम यूज करेंगे ब्राउन कलर को। कलर ही निकल रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।